हजरत अली की शहादत पर ताबूत निकाला गया है। सॉरी कन्नौज मुहर्रम कमेटी अध्यक्ष अली अब्बास ने बताया कि तारीख इस्लाम में पहला एक इंसान है जो काबे में पैदा हुआ और जिसे सबसे पहले मस्जिद के अंदर नमाज की हालत में आतंकवादी हमले का शिकार बनाया गया, जिनका नाम हजरत अली है। 13 रजब को खाने काबा में पैदा होने वाले अली अलैहिस्सलाम को आज से तकरीबन 1400 साल पहले 47 हिजरी में एक खतरनाक आतंकवादी इब्ने मुल्जिम ने, जो रातों दिन नमाज और कुरान पढ़ता रहता था, उसने 19 रमजान की सुबह फजर की नमाज पढ़ते वक्त जहर से बुझी हुई तलवार से हमला करके उन्हें बुरी तरह जख्मी कर दिया था, जिसकी वजह 21 रमजान को हजरत अली की शहादत हो गई। काबे में पैदा और मस्जिद में शहीद होने वाले अली ने अपनी खिलाफत में सबका साथ और सबका विकास के साथ न्याय और शांति का राज स्थापित करने के लिए अपने गवर्नर को ऐसे दिशा निर्देश दिए जिन पर चलकर ग्लोबल पीस, जस्टिस और सिक्योरिटी के सपने को कल भी साकार किया जा सकता था और कयामत तक साकार किया जा सकता है, मगर अफसोस अमन और शांति का राज स्थापित करने की कोशिश करने वाले अली को सत्ता के लालचियों ने एक हमला करवा के रमजान के पवित्र महीने में शहीद करवा दिया। दुनिया के सभी हुक्मरान अगर वाकई पीस, जस्टिस और सिक्योरिटी का राज स्थापित करना चाहते हैं, तो हजरत अली के बताए हुए दिशा निर्देशों पर अपनी हुकूमत को चलाएं और एक कामयाब हुक्मरान बन सकते हैं। उन्हीं की याद में आज ही के दिन पूरे विश्व में जहां जहां हजरत अली के मानने वाले हैं, उनका ताबूत उठाते हैं। इस मौके पर मौलाना मोहम्मद महली, मौलाना कमर अब्बास, मौलाना आबिद हुसैन, अली अब्बास, हुसैन हैदर, असद अली, गुलाम अब्बास, हैदर अब्बास, अली अख्तर, निशात हुसैन, चांद बाबू, आकाश आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे हैं। 47 हिजरी को मुसलमानों के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद साहब के दामाद हजरत अली अलैहिस्सलाम शहीद हो गए, जिनको 3 दिन पहले यानी 47 हिजरी को मस्जिद कूफा, जो कि इराक में है, सुबह की नमाज के वक्त इब्ने मुल्जिम नामक एक आतंकवादी नमाजी के रूप में आया था। नमाज के पहले सजदे में जहर से गुजरी हुई तलवार से कातिलाना हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। आज उन्हीं मौला अली का शहीद।